जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पार्सर सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज का प्रश्न समितियों के गठन संबंध में। ये हमारा ईडीओ के क्लास का सबसे पहला वीडियो होगा। ये हम आज से सीरीज चालू कर रहे हैं पूरे पंचायती राज को फ्री में पढ़ाने का। इसका आपको एक भी पैसा देना होगा और इतना डिटेल में पढ़ेंगे जो आप पेड क्लास में पढ़ते हैं वही डिटेल हम यहाँ देंगे। और हमारा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद लगभग उस चैप्टर से जितना भी एमसीक्यू बन सकता है और जितना कुछ पुराने एग्जामों में या फिर विगत वर्षों में जो प्रश्न आया हुआ है हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईडीओ, और ईडीओ में भी कौन सा, समितियों के गठन के बारे में। ठीक है, समितियों के गठन के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले हमको आज पढ़ना है छत्तीसगढ़ पंचायती राज के बारे में जो 1993 में बनाया गया है। और पंचायत आज का टॉपिक होगा हमारा पंचायती राज का विकास, कैसे पंचायती राज का विकास हुआ और क्यों 73वां संविधान संशोधन लाने की आवश्यकता हो गई। क्या उससे पहले पंचायती राज लागू नहीं था? क्या उससे पहले गांव में पंचायतें नहीं थी, है ना? क्या उससे पहले गांव में कोई कार्य नहीं होता था? इन सब की जानकारी और इन सब का उत्तर जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर को कम्प्लीट करने के बाद लगभग 20 से 25 प्रश्न लगाएंगे यहीं से, जो प्रश्न आपको आने की बहुत संभावना होती है इस चैप्टर से। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है कि क्यों, आखिर क्यों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, क्या कारण था? उससे पहले पंचायतें थी नहीं थी, थी तो कैसी थी, ये सब की बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्यों का अर्थ हम अब यहाँ शुरू करेंगे। सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन अचानक नहीं आ गया, है ना? उससे पहले बहुत सारी समितियां बनाई गई। ठीक है, हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947 में, और पहले चुनाव के बाद ग्राम पंचायतों में या फिर गांवों में कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कार्यक्रम लाए गए। उन सब कार्यक्रमों में जो कमी थी उसको संशोधन करते करते कम से कम 40 साल बाद पंचायती राज का संशोधन करके उसको नियम स्वरूप दिया गया। सबसे पहले ये समझते हैं कि पंचायती राज को जब 73वां संविधान नहीं आया था तब पंचायती राज कहाँ था संविधान में, संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो संविधान के वो नीति निर्देशक तत्व में था। नीति निर्देशक तत्व का मतलब समझते हैं, डीपीएसपी का अर्थ होता है कि देखिए, जब संविधान लिखा गया, जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो कुछ बातें जो है हमारे किस में लिख दिया गया, मूल अधिकार में। मूल अधिकार का मतलब होता है कि एनी हाउ चाहे सरकार कुछ भी करे उसको जनता को वो सुविधाएं देना ही होता था। ठीक है, तो एक बार बात छिड़ी थी कि हमारे पंचायती राज को भी मूल अधिकार में डाल दिया जाए या फिर इसको नीति निर्देशक तत्व से बाहर रखा जाए। लेकिन इसको बाहर नहीं रखने का कारण था कि उस समय भारत नया नया आजाद हुआ था, इतना पैसा हमारे पास नहीं था कि गांव में अच्छे से डेवलपमेंट कराया जा सके और इतना खर्च किया सके, इसलिए इसको नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। इसका मतलब है डीपीएसपी मतलब जो संविधान है राज्यों को एक निर्देश देती है, सलाह देती है कि आप इस प्रकार से अपने जनता की भलाई के लिए ग्राम स्तर पर कुछ कार्यक्रम लाए, योजनाएं लाए, चाहे वो स्टेट योजना लाए या राज्य योजना लाए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जो भी बात रहेगा वो लागू नहीं होता, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए उसको अनुच्छेद 40 में रख दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 40 में भी कहा गया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम उद्योग या ग्राम की भलाई के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाना होगा, कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कुछ ना कुछ योजनाएं बनाना चाहिए। तो सेंट्रल लेवल में 1952 में है ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम तैयार किया गया एवं 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा लागू किया गया। याद रखिएगा, अभी भी गांव में पंचायती राज लागू नहीं हुआ था, केवल गांव की उनका वहाँ विकास करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सब योजनाएं बनाई गई थी। अब इन सब योजनाओं का कितना आम लोगों पर पहुंच रहा है, इनका लाभ कितने आम लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, राष्ट्रीय सामाजिक विकास कार्यक्रम का, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम का, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई कि भैया कोई भी सेंटर है, जिस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उसने 2-4 लोग को रख के जो अच्छे थे, अर्थशास्त्री थे, जानकार थे, उनके उन लोगों की एक टीम बनाई और कहा गया कि हमने जो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम बनाया था
राष्ट्रीय विकास सेवा लागू किया था वो कहाँ तक गया, गांव में इसकी कितनी उपयोगिता है, कितने गांव वालों को लाभ मिला और इसमें क्या चेंजेस की आवश्यकता है, इसके लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये सबसे पहला समिति है। आपको यहाँ जानने लायक एक बात ये है कि 1957 है ना, ये आपको प्रश्न पूछेगा कि बलवंत राय मेहता की जो समिति है, ठीक है, बलवंत राय मेहता की जो समिति है वो कब आई। सबसे पहले आपको ईयर याद रखना होगा, ठीक है, तो 1957 में इसका गठन किया गया। क्यों गठन किया गया था, तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया था, 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा लागू किया गया था। तो ये बेहतर ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें सुझाव लेने के लिए बलवंत राय मेहता की समिति गठन की गई थी। कि जो बलवंत राय है, जो एक प्रख्यात क्या थे, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने गांव गांव जाके पूरा सर्वे किया और सर्वे करने के बाद नवंबर में है ना, देखिए इनकी गठन हुआ था जनवरी में और इनकी सिफारिशें आ गई, इसने रिपोर्ट दिया नवंबर 1917 में, लगभग 7-8 महीने के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट ला के दे दिया। सिफारिशें क्या कहा गया, तो इसमें सिफारिश में था, देखिए सबसे पहले एक परिभाषा दिया गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसे बाद में पंचायती राज कहा गया, इन्होंने सिफारिश किया था। ठीक है, शेष सिफारिश थे 3 स्तरीय पंचायतों की संरचना, गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति, ठीक है, और जिला में जिला परिषद होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले पूरा गांव घुमा, देखा कि क्या सही है क्या गलत है, कितना उसमें और डेवलप की आवश्यकता है, ये सब देखने के बाद इन्होंने 3 स्तर पंचायत की संरचना के बारे में बताया। तो पंचायत गांव में, आपके ग्राम में ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक में पंचायत समिति होना चाहिए और जिला में जिला परिषद होना चाहिए, इसकी इन्होंने सिफारिशें कर दी। और जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा वो जिला अधिकारी को होना चाहिए, ये इनका कहना था। ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, अन्य दो के लिए चुनाव हुए सदस्य, ठीक है, अन्य दो मतलब ग्राम स्तर पर जितने भी मुखिया का चुनाव होगा, वार्ड पंच का चुनाव होगा, वो प्रत्यक्ष होना चाहिए है ना, आम जनता के द्वारा चुने चुने जाने चाहिए। लेकिन अन्य दो जो है, जो ब्लॉक स्तर पर है, जो जिला स्तर पर है, वो अन्य सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा, इनका सिफारिश यह था। शक्ति एवं उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, इनका ये भी समूह क्या था, सिफारिश था। संस्था को पर्याप्त स्रोत मिले जिससे विकास हो, मतलब जो भी संस्था होगा ग्राम पंचायत में, ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में, उसको एक पर्याप्त फंड दिया जाए ताकि अपना काम वो अच्छे से कर सके। इनके सुझावों को ना सरकार ने मान लिया, कब माना, तो समिति के सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, जनवरी 1958 में इनको मान लिया गया। समिति के सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में मान लिया गया और इनकी सिफारिश के अनुसार या फिर इनकी सिफारिश के बाद राज्यों का सिफारिशों के अनुरूप पंचायत चलाने हेतु निर्देश दिया गया। सेंट्रल लेवल से सब जिलों को, सभी राज्यों को आदेश दे दिया गया कि जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश है उनके अनुसार राज्य अपने पंचायतों को या ग्राम पंचायतों को, जनपद पंचायतों को या फिर जिला स्तर के पंचायतों को संचालित करे, ऐसा निर्देश दे दिया गया। इसके बाद इन्हीं के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू ने है ना, उस समय पीएम थे, तो उनके द्वारा पहला पंचायती राज का नींव रखा गया। याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर जिले में एक पंचायती राज का नींव रखा गया, तो किस समिति के सिफारिश के आधार पर रखा गया था, तो बलवंत राय मेहता के समिति की सिफारिश पर रखा गया। सेकंड राज्य कौन था जो इस प्रकार की योजना लागू किया, वो था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1960 तक सभी राज्यों में लागू हुआ, लगभग सभी राज्यों ने इनकी बातों को मान लिया और पंचायतें बनानी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ भी एकरूपता नहीं था, कहीं 2 स्तर था, कहीं 3 स्तर था, कहीं 4 स्तर था। ठीक है, तो ये एकरूपता नहीं था, इसका एक एक लिमिटेशन हो गया। कार्यकाल संगठन एक अन्य समान नहीं थे, सभी के कार्यकाल की पंचायत कितने साल काम करेंगे, कितने लोग उसमें रहेंगे, ये कहीं भी समान नहीं था, क्योंकि सिफारिश में बस इतना कहा गया था कि तीनों स्तर का पंचायतें होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट ज्यादा निर्देश था भी नहीं। और जब तक संविधान के रूप में नहीं कहा जाएगा तब तक कहीं भी एक रूपता नहीं हो सकता। इसके बाद 13 अध्ययन दलों का भी दल बनाया गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के बाद 13 अन्य दल भी बनाए गए थे जो घूम घूम कर इनकी समीक्षा करते थे।
अगला हमारा समिति आता है अशोक मेहता समिति 1970। याद रखिएगा पहला कितने बना था 1957 में, और 20 साल बना है 1970 में अशोक मेहता समिति। याद रखिएगा ये इससे जरूर पढ़ समझ आएगा, है ना, इसकी क्वेश्चन जरूर आ गया यहाँ से। तो ये किसके सिफारिश में बना था, तो भारत जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया। देखिए जैसी सरकार चेंज होती ना तो वोट कहें या जो कहें वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ ना कुछ करती है सरकार। तो जनता पार्टी आए, उन्होंने कहा कि हम पंचायती राज को और सशक्तिकरण बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया और उन्होंने कहा जाओ घूम घूम के देखो कि क्या समस्या है, क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है पंचायती राज पर। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति की कुछ सिफारिशें थी, क्या थी कि दो स्तर पर पंचायतों की संरचना होनी चाहिए, मंडल पंचायत और जिला परिषद। याद रखिएगा मंडल पंचायत और जिला परिषद में, इससे पहले हमने बलवंत राय मेहता समिति देखा था उसमें तीन स्तर था, याद कैसे रखेंगे, इसमें तीन नाम था बलवंत राय मेहता तो तीन स्तर, इसमें अशोक मेहता दो नाम दो स्तर, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। एक मंडल में 15,000 से 20,000 की जनसंख्या वाले गाँव सम्मिलित होंगे, ठीक है, टोटल 3-4 गांव मिलाया जाएगा, 5-6 गांव जितना भी होगा वो उसका अधिकतम जनसंख्या कितना हो सकता है 15,000 से 20,000। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होगा जो योजना लागू होती जिम्मेदार होगा, जो जिला स्तर में कार्यालय होगा ना वो संपूर्ण योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा, पूरा क्रियान्वयन कराएगा, इस समिति की सिफारिश थी। पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टी की भागीदारी हो, मतलब पंचायत चुनाव जब भी होगा इसमें चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा पार्टी हो, जनता पार्टी हो, सब अपने अपने प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे, इनका कहना है। पंचायत के पास कर लगाने की शक्ति हो, देखिए कर की बात सबसे पहले किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने। प्रश्न बन सकता है कि कर की बातें या फिर टैक्स की बातें कौन किया था, तो अशोक मेहता समिति ने कहा था यदि पंचायत स्तर पर ना यदि हम टैक्स लगाते हैं तो वो स्वयं की आय हो जाएगी, उस पंचायत की स्वयं की आय हो जाएगी जो उसी पंचायत के उपयोग में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि 6 माह के भीतर चुनाव किया जाना चाहिए, यदि कोई चुनाव होता है पंचायती राज का गठन करने के लिए और यदि पद खाली हो जाता है, चुनाव विघटित हो जाता है, सॉरी पद विघटित हो जाता है, तब 6 महीने के भीतर चुनाव किया जाना चाहिए, ये अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया। राज्य चुनाव आयोग की परामर्श पर चुनाव जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, देखिए यहाँ आरक्षण की भी बात कहा गया है। ठीक है, लास्ट हम इतने समितियों की बात पढ़ने के बाद आप 73वें संविधान संशोधन पढ़ेंगे ना, तो सभी बातें जो है समितियों के द्वारा कही गई बातें थी। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्यादा बहुत कम आया है, लेकिन समितियों ने जो जो अनुशंसा किया था सरकार ने उन्हीं को 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा है। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिले, ये भी कहा गया था अशोक मेहता समिति द्वारा। समिति के कार्यकाल के पहले जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, समिति ने अपने कार्यकाल पूरा किया, अपना सिफारिश दिया, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार कुछ कर पाती ना, उससे पहले उसकी सरकार गिर गई और ये ठंडे बस्ते में चला गया। नेक्स्ट आता है हमारा जी वी के राव समिति, इसका भी ईयर आपको याद रखना चाहिए, 1985 में आया था या फिर इसका गठन जो है 1985 में हुआ था। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की समीक्षा हेतु है ना, समीक्षा हेतु योजना आयोग द्वारा गठन किया गया था, इसके द्वारा जी वी के राव जो समिति है 1985 में आया। क्यों किया गया था इसका, देखिए उद्देश्य पूछेगा तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की समीक्षा है, ठीक है, योजना आयोग द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। अब इस समिति की सिफारिशें क्या थी, तो नौकरशाह के कारण पंचायती राज बिना जड़ की घास बन गई है, ये आपका बहुत बार पूछा गया है कि नौकरशाह के कारण पंचायती राज बिना जड़ की घास, ये कौन कहा था, ये किस समिति के द्वारा कहा गया था, तो ये जी वी के राव समिति के द्वारा कहा गया था। जिला परिषद को सभी विकास कार्यों के प्रबंधन तो मुख्य होना चाहिए, ये तो पिछले वाले अशोक मेहता जी ने भी कहा था। राज्य स्तर पर कुछ नियोजन कार्यों को जिला परिषद में हस्तांतरित करें, ये कुछ नया बात है ना, राज्य की जो काम है यदि पुराना है तो उसको जिला परिषद को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जिला विकास आयुक्त पद का सृजन सभी कार्यों करने हेतु, ये सब उनके सिफारिश थी। अगला आया हमारा एल एम सिंघवी समिति, जो फिर से पंचायती राज की किस सिफारिशें देगा कि पंचायती राज होना चाहिए। तो ये कौन लाया था, ये हमारे लाए थे राजीव गांधी सरकार के समय ये आए थे, या फिर राजीव गांधी की सरकार के द्वारा इनका गठन किया गया था।
क्यों किया गया था? तो पंचायत, तो देख मैंने कहा ना, जब भी कोई नई सरकार आएगी अपना वर्चस्व बनाने के लिए किसी वीक पॉइंट को पकड़ कर जनता के सामने लाएगी कि हम इसको ठीक ठाक कर देंगे। तो पंचायत राज को संवैधानिक दर मान्यता मिलने के लिए और संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए ML सिंघवी समिति की स्थापना या फिर गठन किया गया था। संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए, किसने कहा? LM सिंघवी समिति ने, एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया, देखिए ग्राम सभा क्या होगी ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। तो ग्राम सभा की महत्ता पर देखिए ग्राम सभा की महत्व पर जोर दिया गया। ये सारी बातें आपको 73वें संविधान में मिल जाएगी जो समितियों ने सिफारिशें की है। नियमित चुनाव होना चाहिए, ये तो पिछले वालों ने भी कहा था। गाँव के समूह हेतु न्याय पंचायत की स्थापना होना चाहिए, एक केन का भी सिफारिश था। गांव की पंचायतों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए ताकि गांव की समस्याओं को गांव की स्तर पर ही ठीक कराया जा सके। चुनाव विघटन के विवाद हेतु न्यायिक अधिकरण की, अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल या फिर एक समिति। यदि चुनाव होता है कोई दिक्कत होती है तो इसमें न्यायिक प्रक्रिया के लिए कोई अधिकरण की गठन किया जाना चाहिए ताकि उसकी समस्या का निदान हो सके। पांचवें नंबर पर आता है हमारा थुंगन समिति जो 1988 में आया था। संसद की सलाह पर इस समिति को बनाया गया था, है ना। ये उप समिति के रूप में बना था, ठीक है। जो थुंगन समिति है उप समिति के रूप में बना था, संवैधानिक उनकी सिफारिश ने कि संवैधानिक मान्यता हो। 5 साल का आय कार्यकाल ये पहली बार इनकी समिति द्वारा कहा गया। पंचायत 3 स्तर की होना चाहिए, जिला परिषद का मुख्य निकाय हो। पंचायत अवधि अधिकतम 6 माह तक हो, मतलब पंचायत का जो अवधि है अधिकतम 6 माह तक, इसका मतलब है कि उसका चुनाव जो है 6 माह तक हो जाना चाहिए। जनसंख्या के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। वित्त आयोग, अब ये गया वित्त आयोग का गठन, इसने कहा कि राज्य राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए जो पैसों का आवंटन देखे, है ना, जो पैसों को वितरण करे वित्त आयोग। महिला आरक्षण की बात कही गई थुंगन समिति के द्वारा, और जिला परिषद और मुख्य कार्यकारी जिला कलेक्टर होगा, ये भी कहा। ये किनका सलाह था? तो ये थुंगन समिति का सलाह था। मेनली आपको याद रखना है ईयर से आपको अधिक क्वेश्चन पूछेगा, बाकी इन्होंने क्या सिफारिशें दी थी ये आपके रेयर केस में प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आने की संभावना ऐसे बहुत कम रहती है, ईयर से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट आता है हमारा गाडगिल समिति, तो 1988 में ही आया, इनका गठन किया गया था कांग्रेस में। संवैधानिक दर्जा पंचायत को मिले, 3 स्तरीय हो, कार्यकाल 5 साल का हो, इन्होंने भी कहा, पहले ने भी कहा गया था। ST SC के अनुसार आरक्षण होना चाहिए, तीनों स्तर प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, कर लगाना, राज्य वित्त आयोग का गठन और चुनाव आयोग, ये सब सिफारिश किया गया गाडगिल समिति के द्वारा। इस समिति की सिफारिश पर इस समिति के जो सिफारिश है संविधान संशोधन का आधार बना है। इसी समिति के आधार पर संविधान संशोधन करने की कोशिश किया गया। अब देखते हैं संविधानीकरण करने का क्या क्या प्रयास किया गया था। तो राजीव गांधी सरकार के समय, राजीव गांधी सरकार के समय LM सिंघवी समिति थे जिनका गठन जो है राजीव गांधी समिति सरकार द्वारा किया गया था। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। यद्यपि यह अगस्त 1989 से लोकसभा में यह विधेयक पारित हो गया किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए उस समय इसका संवैधानिकरण नहीं हुआ। नहीं तो अगर 64वां में हो जाता तो 64 में हो जाता, लेकिन ना होते वो 73वां में हुआ, जो भी कारण रहा। तो पहला प्रयास किसने किया था? तो राजीव गांधी की सरकार ने किया था LM सिंघवी समिति के सलाह के उपरांत। बिल लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में जाके वो अटक गया। अगला आता है हमारा BP सिंह की सरकार, नवंबर 1989 में। BP सिंह के प्रधानमंत्रित्व के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला। शीघ्र यह घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्था को मजबूती प्रदान करे, ठीक है। जून 1990 में पंचायती राज संस्था के मजबूत करने के संबंध मामले में विचार करने के लिए बीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्री का 2 दिन सम्मेलन। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश किए जाने के प्रस्ताव को रखा गया। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ, लेकिन सरकार के गिरने के बाद भी बाद यह विधेयक समाप्त। तो अभी तक 2 बार प्रयास किया गया, एक राजीव गांधी की सरकार के द्वारा और एक था हमारे बीपी सिंह के सरकार के द्वारा। सभी सरकारें जो है अपना अपना होड़ लगी है। देखिए ये भी लाया था आपको 1989 में और ये भी लाया था 1989, ठीक
ठीक है, तो ये अपने सरकार बनाने के लिए एक नई नई कोशिशें कर रहे हैं। अब लास्ट हमारा आता है नरसिम्हा राव समिति के समय, नरसिम्हा राव सरकार के समय पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संविधानीकरण के मामले पर विचार किए। इसने प्रारंभ में विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रावधान रखा। सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, अतः यह 73वें संविधान संशोधन के रूप में जाना गया, ठीक है। और 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस मनाते हैं, ठीक है। यह प्रभाव में आया 1993, 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज प्रभाव में आ गया, इसलिए इसको हम 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। दूसरा, यह 73वां विधेयक था, इसलिए 73वां संविधान संशोधन कहलाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।